प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पास्टर अल्फ्रेड दास आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वचन का टॉपिक मेरा है, क्या यीशु मसीह आपकी नाव में है। एक बार का समय था, मैं एक बहन से मिला और जब मैं उस बहन से मिला तो वो बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। और जब मैं उसके पास में बैठा तो उसने बोला, भैया मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखित हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों दुखित हो, क्यों परेशान हो? उसने कहा, मेरी जॉब नहीं है, मैं घर में अकेली काम करने वाली लड़की हूँ और मेरा जॉब नहीं है, पता नहीं कैसे करके होगा। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, कुछ दिन बाद उसका जॉब लग गया। कुछ महीने बाद मैं उससे फिर मिला और मैंने उससे बोला, अब तो जॉब है, अब तो तुम खुश हो। उसने फिर वो मुँह बना करके बोली कि नहीं भैया, मैं अभी भी बहुत दुखी हूँ क्योंकि पैसे कम हैं, है ना, मेरे पैसे कम हैं और कैसे करके मेरा परिवार चलेगा, कैसे करके क्या होगा, बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत दुखित रहती हूँ। मैंने उससे बोला कि अच्छा ठीक है, चलो प्रार्थना करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि एक अच्छा जॉब, ज़्यादा पैसे वाला जॉब जो है तुमको मिल जाएगा। एक दिन मैं उसके बाद फिर गया, प्रार्थना करने के बाद बहुत दिन के बाद उसके पास गया और पता चला कि उसको करीब 12 से 15 हज़ार रुपये की एक अच्छी जॉब मिल गई है। मैंने बोला, परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि तुमको एक अच्छी जॉब मिल गई है, बहुत सारे लोगों ने तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं की और परमेश्वर का धन्यवाद कि उन सारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुमको मिल गया कि एक अच्छी जॉब तुमको मिल गई है। तो मैं बोला, फिर भी तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, क्या हुआ? बोली, भैया बहुत परेशान हूँ, इतने पैसे में भी मेरा जुगाड़ नहीं हो पाता, घर नहीं चल पाता, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। और मैं ये वचन उसके सम्मुख में रखा। चलिए उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे और इन बातों को देखेंगे कि क्या आज यीशु मसीह आपकी नाव में है। लूका उसका 8:22-25 तक, यहाँ पर मैं क्या लिखा है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। मैंने उस लड़की को इस वचन को समझाया और एक बात उससे कहा जो मैं आज हम सभी के लिए कहना चाहता हूँ। इस लॉकडाउन जबकि पार हुआ, बहुत सारे लोग हुए जिनके जॉब छूट गई, बहुत सारे लोग हैं अभी भी जिनके कोई कार्य नहीं है। अभी कुछ देर पहले ही मैं बातें कर रहा था और किसी के लिए कार्य का प्रबंध मैंने किया है, है ना। और बहुत सारे लोग हैं संसार में, पूरे संसार में, भारतवर्ष में, जमशेदपुर में बहुत सारे लोग हैं जिनका जॉब जो है वो चला गया है, बेरोजगार हैं आज। और वो कई बार इस समस्या के कारण बहुत परेशान हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली, बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में झगड़े बढ़ गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पत्नियों को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के कॉल्स आए और मैं उस समय इस बात को सोच रहा था, क्या सही मायने में यीशु मसीह उनकी नाव में है? यदि यीशु मसीह हमारे नाव में है तो हमारा विश्वास मजबूत होगा। यदि यीशु मसीह हमारे साथ है और हम अपने नाव में यीशु मसीह को हमने क्या किया है, आमंत्रित किया है, तो हमारा विश्वास मजबूत होगा। मेरे प्यो, यहाँ पर हमें वचन में लिखा है कि वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ क्या करें, झील के पार चले। और वो लोग झील पर जा रहे थे और झील पर क्या हुई, आंधी आई, तूफान आया, समस्याएं आई, नाव में पानी भरने लगा और वे लोग, वहां पर में लिखा है, अगर देखेंगे 23 पद में लिखा है, जोखिम में थे। आज हम में से हर एक कोई, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी जोखिम में, समस्याओं में हैं, परेशानियों में हैं। एक दिन किसी ने मुझसे कहा, भैया आपका चेहरा हमेशा क्या रहता है, खिला हुआ रहता है। मैंने उसी समय में ठीक यही बात को उससे कहा, क्योंकि यीशु मसीह मेरी नाव में। हालेलुया। मेरे प्यो, यदि यीशु मसीह आपकी नाव में है, आप इस बात को जान पाएंगे कि आंधी और पानी भी उसकी आवाज़ को क्या करते हैं, सुन लेते हैं। आज यीशु मसीह को अपने नाव में, अपने जीवन में क्या करिए, आमंत्रित करिए।
जैसे ही आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनी नाव में आमंत्रित करेंगे, वचन में लिखा है, ऐसा नहीं लिखा कि जोखिम नहीं था उनके जीवन में, समस्याएं नहीं थी उनके जीवन में, परेशानियां नहीं थी उनके जीवन में, है ना। आज यदि हम इस उनके दिनों में देखें, बहुत सारी समस्याएं और परेशानियां जो है इस संसार में आ रही है ना। बहुत सारे परिवारों में तकलीफें हैं, बहुत सारे है ना व्यक्तिगत जीवन में, लोगों के व्यक्तिगत जीवन में तकलीफें हैं, सामाजिक तौर पर हो, आत्मिक तौर पर हो, है ना, आर्थिक तौर पर हो, किसी भी तौर पर हो, बहुत सारी परेशानियां और समस्याएं आज लोगों के जीवन में हैं। परंतु मैं एक बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं अपने परिवार में एक बात को बहुत अच्छे तरीके से सिखाता हूँ कि यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और उस पर पूरे तौर पर विश्वास करते हैं तो आप और मैं इस बात को अच्छे तरीके से जान लीजिए कि आंधी और पानी भी यीशु मसीह की बात सुनते हैं। ये प्रकृति, ये समस्याएं, ये जोखिम, परेशानियां यीशु मसीह की बात सुनते हैं। जब आप यीशु मसीह आपकी नाव में होंगे, आपको कोई भी समस्याएं टच नहीं कर सकती। समस्याएं आएंगी तो सही, वचन में लिखा है कि धर्मी जन पर विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको क्या करता है, उनमें और डुबा देता है ना। नहीं, लिखा है धर्मी जन पर विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उनसे क्या कर लेता है, बचा लेता है। मेरे प्यो, आप पर विपत्तियां पड़ेंगी, परंतु परमेश्वर आपको बचाने के लिए तैयार खड़ा है। आज यदि आप विपत्ति में हैं, समस्याओं में हैं, रोग में हैं, बीमारी में हैं, जोखिम में हैं, यीशु मसीह को अपनी नाव पर बुलाइए, यीशु मसीह को अपनी नाव पर आमंत्रित कीजिए, यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दीजिए। और जैसे ही यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे, जोखिम आपके साथ में होगा, समस्याएं आपके साथ में होंगी, परेशानियां, रोग, बीमारियां, हर एक तरह की तकलीफें आपके साथ में होंगी, लेकिन यीशु मसीह का कंट्रोल उन सारी बातों पर। आज क्या हम चाहते हैं कि हम ऐसी नाव पर चढ़ें जिसमें समस्याएं आती रहती है, वो जाती नहीं, या ऐसी नाव पर जिसमें यीशु मसीह सवार है, है ना। क्या आपके जीवन में यीशु मसीह सवार है? यदि है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि नहीं तो आइए आज के दिन हम अपने जीवन में यीशु मसीह को आमंत्रित करें। मेरे प्यो, जिस दिन आपने यीशु मसीह को आमंत्रित किया, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ मेरे एक दोस्त हैं, और उन्होंने वो मेरे पास में आए, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो मेरे कंधों पर हाथ रखा, उन्होंने बहुत साल के बाद, करीब शायद 11-12 साल के बाद उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, पीछे से आए, और उसने बोला कि अरे तुमको तो लग रहा है कि तुम अल्फ्रेड हो। मैंने उससे कहा कि हाँ मैं अल्फ्रेड हूँ। उसने कहा कि ना भाई, बहुत सारी गालियाँ और बहुत सारी बातें उसने करना शुरू किया, और बताया कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ, और लास्ट में उसने मुझसे पूछा, तुम बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं, और ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले जैसा अल्फ्रेड था, स्कूल में जैसा अल्फ्रेड था, कॉलेज में जैसा अल्फ्रेड था, तुम वैसे नहीं लग रहे हो, परंतु कुछ और ही लग रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि हाँ, थोड़ा तो बदल गया हूँ। तो उसने कहा, तुम करते क्या हो? मैंने उससे कहा कि मैं पास्टर हूँ, चर्च का पास्टर हूँ। वो थोड़े बहुत दूर जा कर के खिसका, और जा कर के पेट्रोल पंप में सबके सम्मुख में वो नीचे लेट गया, और बोला कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और लास्ट में उसने बहुत सारी चीज़ों को बताते बताते कहना शुरू किया कि अल्फ्रेड, मैं अपने जीवन में बहुत दुखित हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैंने उसको सिर्फ एक बात कही, जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया सर, आप आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। उस दिन उसने प्रण किया, बोला कि मैं अपने जीवन में यीशु मसीह को स्थान दूंगा। क्या आज आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं? यदि आज आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देंगे तो आपके जीवन से समस्याएं, मैं नहीं बोलता कि दूर चली जाएंगी, मैं नहीं बोलता कि रोग आपके जीवन से दूर चले जाएंगे, परंतु उस तूफान के मध्य में चट्टान पर खड़े रहने की ताकत परमेश्वर आपको देगा। उस तूफान के मध्य में, उस आंधी के मध्य में खड़े रहने की ताकत परमेश्वर आपको देगा। यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन यदि आपने यीशु मसीह को अब तक ग्रहण नहीं किया, आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी हर एक आशीषों के लिए। प्रभु जी, अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर, होने दे कि यीशु मसीह हम तुझे ग्रहण करें, तुझे आमंत्रित करें अपनी नाव पर, अपने जीवन पर पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर इस नाव का स्वामी, इस जीवन का स्वामी, हमारे व्यक्तिगत जीवन का, हमारे पारिवारिक जीवन का स्वामी तू होने पाए, और जैसा तू चाहता है वैसा हम में से हर एक को चला।
जैसी तेरी इच्छा पिता परमेश्वर, ऐसा तो कार्य कर। जो लोग सुन रहे हैं, यदि वो यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, प्रभु जी उनके संग साथ होना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, देख सुन और ग्रहण कर। आमीन।